हेलो एवरीवन, एग्जाम सत्र में आप सबका स्वागत है। जीएस का एक और प्रैक्टिस सेट लेकर आ गया हूँ। क्वेश्चंस ऐसे वीडियो लेखपाल और एसएससी में पूछे जाते हैं, उसी टाइप के होंगे, उसी लेवल के होंगे। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। क्वेश्चंस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन है आज का जीएस प्रैक्टिस सेट 3। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रस्तावना के अनुसार भारत में सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? इसका आंसर क्या होगा? न्यायपालिका, कार्यपालिका, जनता या संसद? इसका आंसर क्या होगा? सबको पता होना चाहिए, इसका आंसर सी होगा, जनता, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार, प्रस्तावना में दिया हुआ है भारत में सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है, ओके। दूसरा क्वेश्चन कौन सा है आज का? दूसरा क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पड़ोसी देश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? लेखपाल और वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद पड़ोसी देश नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी श्रावस्ती, ऑप्शन सी बरेली या ऑप्शन डी सिद्धार्थनगर? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी सही होगा, बरेली, ठीक है। बरेली जो है नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है। पीलीभीत, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बहराइच, ये सब नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ, रायबरेली, मेरठ या गाज़ियाबाद? कहाँ पर है राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान? रायबरेली में है, ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, स्टैटिक क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी सही होगा, रायबरेली, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है आज का, नींबू वंश के फल और अचार निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंटेनरों में नहीं रखे जाते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, नींबू वंश के फल और अचार निम्नलिखित में से किस प्रकार के कंटेनरों में नहीं रखे जाते हैं? लोहे के कंटेनरों में या प्लास्टिक के या कांच के या चाइना क्ले में, किसमें नहीं रखे जाते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोहे के कंटेनरों में नींबू वंश के फल और अचार नहीं रखे जाते हैं, ठीक है, ओके। साइंस का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर बताइए, आगरा में, नई दिल्ली में, लखनऊ या बुलंदशहर? कहाँ पर स्थित है अलाई दरवाज़ा? नई दिल्ली, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, नई दिल्ली पे अलाई दरवाज़ा स्थित है। इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है, अलाई दरवाज़ा किसने बनाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान परिषद के अंतर्गत पर राष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? पेशवा, अमात्य, मंत्री या सुमंत? क्या कहलाता था? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर डी होगा, ठीक है, सुमंत। सुमंत को विदेश मंत्री जो होता था उसको शिवाजी के अष्ट प्रधान में सुमंत बोलते थे, ठीक है, विदेश मंत्री, सुमंत मिस विदेश मंत्री, ठीक है। और पेशवा कौन होता था? जो आज के समय में जिसे पीएम कहते हैं, प्रधानमंत्री, वो उन्हें पीएम को शिवाजी के समय में पेशवा कहते थे। अमात्य ये वित्त मंत्री होते थे, वित्त मंत्री, ठीक है, ये वित्त मंत्री होते थे। और जिनको केवल मंत्री कहा जाता है, ये गृह मंत्री होते थे, ठीक है। पेशवा को पीएम कहा जाता था, अमात्य को वित्त मंत्री, मंत्री को गृह मंत्री और सुमंत को विदेश मंत्री कहा जाता था। तो क्वेश्चन है, शिवाजी के अष्ट प्रधान परिषद के अंतर्गत पर राष्ट्र यानी कि विदेश मंत्री, विदेशी मामलों के मंत्री क्या कहलाता था? सुमंत कहते थे उसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? साइंस का क्वेश्चन है, डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? ग्लूकागोन, थायरॉक्सिन, एक्डाइसोन या इंसुलिन? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? डायबिटीज़ मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? ऑप्शन डी इंसुलिन, ओके, इसका ऑप्शन डी सही होगा, इंसुलिन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, यदि जल की सतह पर धूल चिकनाई हो तो पृष्ठ तनाव? फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। यदि जल की सतह पर धूल चिकनाई हो तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? घट जाता है या बढ़ जाता है या पृष्ठ तनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता या पृष्ठ तनाव जीरो शून्य हो जाता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर जल की सतह पर धूल या चिकनाई है तो क्या होगा? पृष्ठ तनाव
ऑप्शन ए घट जाएगा, ठीक है। जल की सतह पर धूल चिकनाई है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है, ओके ऑप्शन ए सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में से एक कुरु की राजधानी क्या थी? 16 महाजनपद थे जो, उनमें से एक महाजनपद था कुरु, उसकी राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताना है तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ, अहिक्षत्र या विराटनगर, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका। 16 महाजनपदों में से एक कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, इंद्रप्रस्थ, ओके। 10वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है? ठीक है, जनगणना से पूछा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है? कानपुर, इलाहाबाद, गौतम बुद्ध नगर या वाराणसी, कौन सा है इसका, क्या ऑप्शन सही होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाला जनपद इलाहाबाद है, ठीक है। देखिए ग्रामीण आबादी पूछा है, केवल आबादी नहीं पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण आबादी वाला जनपद कौन सा है? इलाहाबाद, ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा, ग्रामीण आबादी वाला जनपद इलाहाबाद है उत्तर प्रदेश में, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगणमन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? SSC वीडियो लेखपाल सबके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जनगणमन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? इसमें कई क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन है जय हे राष्ट्र जागृति, ऑप्शन सी है भारत विधाता या मातृभूमि, ठीक है। शीर्षक बताइए किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी भारत विधाता, ठीक है। और किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था इसका, तत्वबोधिनी पत्रिका में, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कि किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, तत्वबोधिनी पत्रिका, तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, ठीक है। तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था, शीर्षक था भारत विधाता, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, मुरादाबाद, एटा, पटना या रायपुर, कहाँ पर है, इसका सही ऑप्शन बताइए। कंफ्यूज मत होइएगा, सही ऑप्शन क्या होगा इसका, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है? पटना पक्षी विहार एटा में है, ओके, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में, ऑप्शन बी सही होगा, एटा जिले में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा के बीच से बहती है? ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा के बीच से बहती है, चंबल, केन, गोदावरी या नर्मदा, कौन सी नदी है, सही ऑप्शन बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14वां है, नावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? नावा शेवा, इसे एक और नाम से जानते हैं, लिख देता हूँ, नावा शेवा, ठीक है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। नावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पारादीप, कोचीन, मुंबई या कोलकाता, कहाँ पर स्थित है, इसका क्या ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन सही होगा मुंबई, ठीक है, ऑप्शन सी। इसे एक और नाम से भी जानते हैं, दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, या जवाहरलाल नेहरू लिख देता हूँ, या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है, ओके। नावा शेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, मुंबई में, दूसरा नाम क्या है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 15वां क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अच्छा क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, अंगूर, आलू, सेब या स्ट्रॉबेरी, किसकी खेती के लिए, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, सबको आना चाहिए, ठीक है। कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, सेब, ऑप्शन सी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती बहुत होती है, सेब का उत्पादन सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में होता है, ओके। और आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो भी शिमला में है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा आलू और सेब में, ठीक है। कुल्लू घाटी में सेब की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
16 क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल? क्या कहते हैं ऑप्शन, इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी, आयन मंडल। ओके, ऑप्शन बी आयन मंडल। रेडियो तरंगों को परावर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत आयन मंडल है। ओके, 17वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है? गुजरात, दिल्ली, केरल या भोपाल? कहां पर आयोजित किया गया? ऑप्शन सी, ठीक है, केरल, केरल में आयोजित किया गया। ठीक है, राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 केरल में आयोजित किया गया। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेफ ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? डेफ ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? सही ऑप्शन क्या होगा? 14, 16, 18 या 11? इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, डेफ ओलंपिक में भारत ने 16 पदक जीते टोटल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया गया, इसका क्या ऑप्शन सही होगा? भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप का अनुमोदन किया गया राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा या वित्त मंत्रालय द्वारा? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए वस्तु की बाजार आपूर्ति, ऑप्शन बी वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, ऑप्शन सी सरकार का हस्तक्षेप या ऑप्शन डी वस्तु की बाजार में मांग? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, ऑप्शन बी। ओके, वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए यूएसबी, ऑप्शन बी मॉडेम, ऑप्शन सी इथरनेट या ऑप्शन डी PS2? इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर का एक क्वेश्चन लेखपाल में आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मॉडेम होगा, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इसका फुल फॉर्म होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? मॉडेम, ठीक है, MODEM। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या महानदी? इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका ऑप्शन ए सही होगा, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है। ओके, 23वां क्वेश्चन है, देश की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? देश की दूसरी औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई? 1956, 1957, 1958 या 1959? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सही होगा ए। ओके, 1956 दूसरी औद्योगिक नीति 1956 में घोषणा हुई थी उसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां क्वेश्चन है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? भारतीयों द्वारा, ध्यान से पढ़िएगा, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? द हिंदू, यंग इंडिया, बंगाल गजट या हिंदू पैट्रियट? इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी, हिंदू पैट्रियट। ठीक है, भारतीयों द्वारा, ठीक है, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र हिंदू पैट्रियट था। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा बंगाल गजट और हिंदू पैट्रियट में। ओके, ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? अच्छा क्वेश्चन है, SSC, लेखपाल और वीडियो सबके लिए। 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मालदीव और मिनिकॉय या तमिलनाडु और श्रीलंका? कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा? 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा इसका। 10 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये सब जो हैं किसी न किसी जगह को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करता है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस थे जो कि SSC में भी पूछे जा सकते हैं, वीडियो और लेखपाल किसी में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
और 25 क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मैंने टफ क्वेश्चंस नहीं दिए हैं आपको, 21-22 क्वेश्चन तो कर ही लेने चाहिए 25 में, ठीक है। अगर इससे कम कर रहे हैं तो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं है, आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से जाके इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले किसी प्रैक्टिस सेट में, ग्रामीण परिवेश या GS की प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।